डाइट बताऊंगी आज की, कि आखिर पीसीओडी के बाद बहुत नॉर्मल बॉडी क्या साइन कर रहा है और उस अनुसार से काम करना है, जिससे आपका प्रेगनेंसी भी रुकेगा और आपका बेबी भी सही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सभी को स्वागत है नंदिनी प्रेगनेंसी टिप्स पे। तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आज की जो टॉपिक है वो है कि पीसीओडी प्रेगनेंसी के बाद आपको क्या डाइट लेना है, आपको क्या क्या सिम्टम्स होता है, आपको अगर आप पीसीओडी प्रेगनेंसी आपका हो गया है और आप अगर अच्छे से आप अपना ख्याल नहीं रखोगे, या फिर आपको क्या क्या बॉडी में सिम्टम्स हो रहा है वो ध्यान नहीं रखिएगा, तो फिर हो सकता है कि आपका मिसकैरेज हो गया हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास 2-3 कमेंट्स ऐसा आ गया है कि यदि आप पीसीओडी डाइट बताइए, हमको कुछ सिम्टम्स होता है, कुछ चीज़ें होती है और हमको पता नहीं चलता है, फिर बाद में मिसकैरेज हो जाता है, तो डाइट बताइए। तो ये कमेंट देखिए, तो मैं आपको डाइट बताऊंगी आज की, कि आखिर पीसीओडी के बाद बहुत नॉर्मल लेते हैं लोग, सोचते हैं कि अरे प्रेगनेंसी तो हो गया और हम बस अपना नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, और फिर अपना ध्यान बॉडी क्या से असाइन कर रहा है वो ध्यान नहीं देते हैं, और फिर क्या होता है, घटना घट जाती है, प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो जाता है। तो ये सब चीज़ आपको नहीं करना है, आपको बिल्कुल आपके बॉडी का साइन देखना है कि आपका बॉडी क्या साइन कर रहा है और उस अनुसार से काम करना है, जिससे आपका प्रेगनेंसी भी रुकेगा और आपका बेबी भी सही रहेगा। तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ मैं, और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहती हूँ कमेंट्स पढ़ के, रीड करके, और जो मुझे अच्छा लगता है तो वो मैं आप लोग को बताती भी हूँ कि ये कमेंट्स आया है, ऐसे हुआ है, ये लोग ये कमेंट्स किए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आप बताती हूँ कि पीसीओडी प्रेगनेंसी जब होता है तो क्या होता है कि जैसे आपका 1.5 महीना या 2 महीना का प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है, तो उसके बाद आपका एकदम, जब आप कुछ गर्म खाने खाते हो तो आपका पेट बिल्कुल गर्म लगता है, ऐसा लगता है कि क्योंकि आप पीसीओडी ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हो अपने बॉडी पे, और उससे क्या होता है, जैसे गर्म गर्म चीज़ नहीं आपको खाना है, अजवाइन भी गर्म ही है, या फिर सौंफ ले लिए, या फिर कुछ भी पीसीओडी को ठीक करने के लिए, अपना वजन कम करने के लिए गर्म चीज़ खाना खाते हो, और वो पूरा असर करता है आपका प्रेगनेंसी के टाइम में। तो अगर आप प्रेगनेंसी का टाइम वही मतलब खाते रहिएगा, तो उससे क्या होता है कि आपका प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है, बिल्कुल भी आपको, अगर आपका जैसे लगे कि मेरा पेट गर्म हो रहा है, जैसे कुछ चिकन खा ली है, या फिर जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं वो सब कर रहे हैं, तो आपका पेट गर्म साइन खुद करता है, लेकिन बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो यही आपका फिर मिसकैरेज होने का बहुत ज़्यादा संभावना हो जाता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका पेट गर्म हो रहा है तो आप तुरंत से कोई मतलब लस्सी वगैरह पीजिए, उसमें भी आपको ये नहीं कि कोल्ड ड्रिंक पी ली है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक ऊपर से रहता है ठंडा कि हाँ बहुत ठंडा है, मेरा पेट ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो असल में गर्म होता है। तो कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा पूरा प्रेगनेंसी, मैं यही आपको सजेस्ट करती हूँ कि मत यूज़ कीजिएगा। आप लस्सी ले लीजिए अभी तो हल्का फल्का भी, ठंडी हल्का फल्का है तो उतना भी नहीं कि आपका गला फंसे, लेकिन हाँ आप अपने आप खुद मतलब आपको लगेगा कि पेट को ठंडा करने के लिए, जैसे आपका ऐसा लगेगा कि सांस बहुत फूल रहा है, तो उसमें आपको बिल्कुल हल्का हल्का लस्सी लीजिएगा तो अच्छा लगेगा आपको, या फिर कर्ड भी ले सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं संतरा ले खा सकते हैं, उससे भी आपको ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मेरा बॉडी अब सही है। तो ये सब चीज़ साइन होता है, आपको प्रेगनेंसी के बाद गर्म चीज़ नहीं खाना है, नॉर्मल चीज़ खाना है, और अगर आपको वोमिटिंग वगैरह हो रही है तो कमेंट्स करके बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे कि आखिर प्रेगनेंसी में, जैसे मैं आपको तो बता दी कि ये चीज़ खाना है, आपको मन नहीं कर रहा है कि हमको नहीं खाना है, तो उसके लिए फिर आप कमेंट्स कीजिएगा तभी मैं बताऊंगी। तो आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, वंदे मातरम।